नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में संतान सप्तमी किस दिन व्रत रखा जाएगा, पूजा करने का मुहूर्त क्या क्या आपको है, कई मुहूर्त मिल जाएंगे, साथ ही साथ पूजा विधि क्या है, व्रत कैसे रखना है, क्या खाना है क्या नहीं, और संतान की उन्नति और तरक्की के लिए आपको कौन से आसान से दो तीन उपाय कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है संतान सप्तमी से जुड़ी हुई। हिंदू व्रत त्योहारों में संतान सप्तमी को एक जरूरी व्रत माना जाता है। इसे हर माँ नए संतान प्राप्ति के लिए, उसकी तरक्की और लंबी उम्र के लिए करती है। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। कई लोग इसे मुक्ता भरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। संतान सप्तमी के दिन भगवान सूर्य और शंकर पार्वती की पूजा की जाती है। संतान सप्तमी व्रत का महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार संतान सप्तमी अपने नाम स्वरूप निः संतान दंपति को संतान सुख प्रदान करता है। इस व्रत के प्रभाव से महिलाओं की सूनी गोंद जल्द भर जाती है। वहीं जिन महिलाओं के बच्चे हैं, वह ये व्रत संतान के अच्छे स्वास्थ्य, बुद्धि और लंबे जीवन के लिए रखती हैं। जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है, उन्हें ये व्रत जरूर करना चाहिए। इससे आपके पिछले और वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वस्थ संतान पैदा होती है। संतान सप्तमी इस बार कब मनाई जा रही है और साथ ही साथ पूजा का महत्व क्या है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शुरू होगी 21 सितंबर को दोपहर 2:14 पर और समाप्त होगी 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत जो है वो रखा जाएगा 22 सितंबर को, सप्तमी तिथि का, ठीक है। संतान सप्तमी व्रत 22 सितंबर को रखना है। अब पूजा के लिए मुहूर्त आपको क्या क्या मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त मिलेगा आपको सुबह 4:35 से 5:22 तक। ये ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग पूजा करना चाहते हैं उनके लिए है। अभिजीत मुहूर्त मिलेगा सुबह 11:49 से लेकर के 12:38 में। ये दोपहर का मुहूर्त है, 11:49 से 12:38। तीसरा मिलेगा गोधूली मुहूर्त शाम 6:18 से शाम 6:42 तक, 6:18 से 6:42 शाम को ये गोधूली मुहूर्त मिलेगा। अमृतकाल मुहूर्त मिलेगा सुबह 6:47 से सुबह 8:23 तक। परफेक्ट टाइमिंग है ये अमृतकाल मुहूर्त जो है, सुबह 6:47 से 8:23 सुबह तक। ये चार मुहूर्त आपको मिल रहे हैं। जिस समय भी आपके यहाँ पूजा होती हो, जिस समय आपको लगे कर सकते हैं, उस समय आप पूजा कर लीजिएगा। संतान सप्तमी व्रत विधि क्या है, व्रत कैसे रखा जाता है, तो संतान शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन जल्दी उठकर स्नान कर माता पिता संतान प्राप्ति के लिए अथवा उनके उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत का प्रारंभ करते हैं। यह व्रत की पूजा दोपहर तक पूरी कर ली जाए तो अच्छा माना जाता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। दोपहर के वक्त चौक बनाकर उस पर भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा रखी जाती है। इनकी पूजा कर उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है और पूरे दिन व्रत रखा जाता है। संतान सप्तमी व्रत की पूजा सामग्री और पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा सामग्री, सबसे पहले तो भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा, लकड़ी की चौकी, कलश, अच्छत, डोली, मौली, केले का पत्ता, श्वेत वस्त्र, फल फूल, आम का पल्लव, भोग लगाने के लिए 7-7 पुआ या मीठी पूड़ी, जो भी आपके यहाँ चढ़ता हो, दूध, दही, कपूर, नारियल, गंगा जल, लाल कपड़ा, लौंग, सुपारी, सुहाग का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा, इतनी चीज़ें आपको पूजा में लगने वाली हैं। संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत करने का संकल्प लें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। व्रत के भोग के लिए 7-7 पुआ या मुट्ठी पूड़ी बनाएं। पूजन की जगह को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, अच्छत और सिक्का डालकर उस पर आम का पल्लव लगाएं। अब उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखकर दीप रखें और फिर उसे जला दें। भगवान को पूरी का भोग लगाएं, पुए या पूरी जो भी आपने बनाया है। इस व्रत में पुए के भोग का विशेष महत्व माना जाता है। अब फल फूल, धूप और दीपक से पूजन करें। चांदी के कड़े को भगवान के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके अच्छत और फूल चढ़ाएं। चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहनें। संतान सप्तमी व्रत की कथा जरूर सुनना चाहिए। इसके बाद आरती करें। पूजन के बाद 7 पुए दान करें और बचे हुए 7 पुए को खुद खा लें। संतान सप्तमी व्रत के नियम क्या हैं, किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए।
तो संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लेना चाहिए, मतलब पूजा कर लेनी चाहिए। शिव पार्वती की प्रतिमा को सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें। पूजा में नारियल, सुपारी, धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए कामना करते हुए भगवान शिव को कलावा लपेटें। कलावा को बाद में अपने संतान की कलाई में लपेट देना है, बांध देना है। संतान सप्तमी के दिन संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, बुद्धि विकास के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए? तो संतान सुख के लिए, सबसे पहले अगर संतान नहीं है आपके पास, तो जो महिलाएं बच्चे का सुख नहीं भोग पा रही हैं वो निर्जला व्रत रखकर भोलेनाथ को सूती का डोरा अर्पित करना चाहिए। संतान सप्तमी की कथा का श्रवण करें। पूजा के बाद इस डोरे को अपने गले में धारण करें। मान्यता है इससे संतान प्राप्ति की राह आसान हो जाती है। निःसंतान दंपत्ति को बच्चे का सुख मिलता है। दूसरा, बच्चे के अच्छे करियर के लिए अगर ये व्रत है रख रहे हैं तो संतान की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन स्त्रियां व्रत रखकर शाम के समय शिव पार्वती को गुड़ से बने 7 पुए का भोग लगाएं। इससे संतान की तरक्की में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं, उसे अच्छी शिक्षा, बेहतर करियर प्राप्त होता है। ये हो गए 2 उपाय संतान की दीर्घायु के लिए। सप्तमी पर व्रती सूर्य को अर्घ दें और फिर शिव जी को 21 बेलपत्र और माता पार्वती को नारियल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। ये 3 उपाय आपको बताए हैं, जो आपको लगता है करना चाहिए वो उपाय आप कर लीजिएगा इस दिन व्रत के दिन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको संतान सप्तमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त क्या है, साथ ही व्रत विधि और नियम और कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय।